एमपी के नीमच में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भू माफिया एवं गुमटी माफियाओं से मुक्त करने के लिए तरह तरह के बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं जिले में गुमटी माफिया पूरे शहर में कब्जा किए हुए हैं। भाजपा पार्टी से संबंध रखने वाले कन्हैया ग्वाला ने शहर के बस स्टैंड की सुंदरता को बिगाड़ते हुए अवैध रूप से कब्जा कर ठेले पर बनी गुमटी खड़ी कर दी, जिसका मुद्दा कांग्रेस पार्षद पति मोनू लोकसा ने उठाया। इसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी होश में आए और गुमटी माफिया पर कार्यवाही की। अधिकारी के कहने से ही है, सीमा मैडम और टेक्चंद जी महावीर के कहने से हुई है, हमारे अधिकारी के। तो मैंने ठेला है आज चौथी बार उठाया है। मेरा नाम हेमंत कलोसिया है, मैं मसूली करता हूँ सब्जी मंडी और फ्रूट मार्केट की। तो उनके कहने पे मैंने ठेला हटाया है। ठेला है आज ये पांचवी बार जा रहा है, वो चार बार जा चुका है। जिसने ठेला वहाँ से 60 नंबर से उठाया बिना कहने, और बाकी जो जिनका हमने अतिक्रमण ठेला है उनका ठेला नहीं छूटा है, वह इस आदमी ने पप्पू जैन के कहने से ठेला उठाया है। किन कर्मचारियों को साथ में लेकर आए हैं? शेरू शेरू भैया कर्मचारी हैं और मैं भी कर्मचारी हूँ, उनके कहने पे आया हूँ। किस वाहन में ठेला? अब ये गाय गाली में ले जा रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा वजन नहीं है, ये गाय के बराबर ही वजन है। ठेला घुमटी नहीं है, भारी घुमटी नहीं है, ठेला है, आप देख सकते हो उसको, समझ सकते हो। अतिक्रमण है पर मेरा स्वयं खुद का फोटो ना लेते हुए अतिक्रमण करते हुए फोटो लीजिए, मैं तैयार हूँ इसके लिए खुद। नहीं, मैं बदतमीजी नहीं करी है, मैंने तो बोला कि भाई साहब मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था कि अभी आप पत्रकार हो, माफी चाहता हूँ। वो आप मेरे ठेले के साथ में जो मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ उसके साथ फोटो लीजिए, जो मेरे से आप पूछोगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप अतिक्रमण कर रहे हो ठेले का? हाँ, ठेले अतिक्रमण मैंने हटाया है, ठेला आप कह रहे हो अतिक्रमण? नहीं, हटाया है मैंने अतिक्रमण के मतलब कहने से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।